करते हुए पाकिस्तान के मुक्केबाज सैयद मोहम्मद आसिफ रेड कॉर्नर से, और ब्लू कॉर्नर में है मदन लाल भारत के। दोनों मुक्केबाजों को रेफरी ने रिंग के मध्य बुलाया और उनको समझाया कि अपन सीधा खेलें, होल्डिंग ना करें, बिलो द बेल्ट ना मारें, ओपन ब्लो, किसी भी प्रकार का कोई फाउल खेल ना खेलें, नियमों के तहत ही मुक्केबाजी करें। और ये सैयद मोहम्मद आसिफ पाकिस्तान के और मदन लाल भारत के, दोनों ही मुक्केबाज तैयार पहले राउंड और फाइनल चक्कर का मुकाबला। और ये मुकाबला आरंभ हुआ, देखते हैं विजय सीरी किसके पक्ष में जाती है। दोनों ही मुक्केबाज का भी अंग बहुत ही अच्छा राइट क्रॉस मदन लाल द्वारा। मदन लाल अपने प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के से थोड़े हाइट में छोटे हैं, इसलिए उनको नजदीक जाकर खेलना होगा और उसका वो पूरा प्रयास करते हुए बहुत ही अच्छा अटैक पाकिस्तान के मुक्केबाज द्वारा, जिसको शेल गार्ड करके अपने को बचाया और अच्छा क्रॉस दिया काउंटर। मदन लाल ने पूरा गार्ड रखा हुआ है, उनको पता है कि उनके प्रतिद्वंदी उनसे लंबे हैं, इसलिए उनको पूरा गार्ड रखना होगा और उसका उत्तर बहुत ही अच्छा 1-2-1 तीन पंजों कॉम्बिनेशन लगाया मदन लाल, बहुत अच्छा राइट ओवरकट राइट क्रॉस, अच्छा डबल राइट कप कॉम्बिनेशन लगाया मदन लाल ने पूरे गार्ड का, जैसे ही उनका गार्ड खुला पाकिस्तान मुक्केबाज का, उसका पूरा फायदा उठाया मदन लाल ने 1-2-1 का तीन पंजों कॉम्बिनेशन अच्छा लगाया, अच्छा कॉम्बिनेशन फुटवर्क के साथ मदन लाल का, अच्छा राइट क्रॉस लेफ्ट हुक दूर से, पूरा गार्ड रखे हुए हैं मदन लाल, किसी प्रकार का कोई मौका नहीं देना चाहते पाकिस्तानी अपने पाकिस्तानी प्रतिद्वंदी को। रेफरी ने दोनों को रोका और सीधा होकर खेलने कहा, मुकाबला पुनः आरंभ। मदन लाल बहुत ही खूबसूरती से साइड स्टेप लिया, बहुत ही अच्छा कॉर्नर बसाया इन्होंने पाकिस्तानी मुक्केबाज को, साइड स्टेप लेकर बहुत ही खूबसूरती के साथ अपने को बचाकर अटैक काउंटर अटैक किया बड़े दिमाग से, जैसे राइट क्रॉस लेफ्ट अपरकट बहुत अच्छा अपरकट लगाया, फिर लेफ्ट स्ट्रेट राइट स्ट्रेट, अच्छा गार्ड का नमूना दिखा रहे हैं अपनी अपने लंबे प्रतिद्वंदी के अगेंस्ट प्रति, बहुत अच्छा 1-2 का अटैक बड़ी खूबसूरत फुटवर्क के साथ अंदर घर राइट क्रॉस लगाया। संजीव अभी तक के मुकाबले में मदन लाल बनिस्पत अपने प्रतिद्वंदी के हाइट में छोटे हैं, लेकिन फिर भी काफी फुर्ती के साथ अंदर जाकर लंबे पंचों का इस्तेमाल कर रहे हैं। संजीव बिल्कुल, और यहां पर ये अनुभव की अगर हम बात करें, दोनों ही खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुक्केबाज हैं, और यहां पर मदन लाल बहुत ही धैर्य के साथ अपने प्रतिद्वंदी को नजदीक आने देते हैं, जैसे ही नजदीक आते हैं तभी प्रहार करते हैं, अंदर भी जाते हैं, तो ये उनकी खासियत है कि शेल गार्ड रखकर अंदर जा रहे हैं ताकि पाकिस्तानी खिलाड़ी को कोई भी लाभ ना मिले। तो ये एक बहुत ही सुंदर हुक का प्रयोग मदन लाल की ओर से, भारतीय मुक्केबाज मदन लाल अंकों में वृद्धि करते हुए, मदन लाल अपने प्रतिद्वंदी को कोई मौका नहीं दे रहे हैं। सैयद मोहम्मद आसिफ पाकिस्तान के खिलाड़ी जो कि लाल पोशाक में है और उनको चुनौती दे रहे हैं भारतीय मुक्केबाज मदन लाल। 52 किलो भार वर्ग का ये पुरुष वर्ग का ये मुकाबला चलता हुआ पहला चक्र है, रेफरी द्वारा निर्देश दिया गया सर को उठाकर खेलें। बहुत ही सुंदर 1-2-1 की गेम, दो पंचों का स्ट्रेट जैब, पहला चक्र समाप्त हो चुका है। एक मिनट का अंतराल विराम, आगे की रणनीति के बारे में बताते समझाते हुए पाकिस्तान के प्रशिक्षक, ये देखिएगा किस तरीके से अंक अर्जित किए खिलाड़ियों ने, बहुत ही सुंदर स्ट्रेट जैब फिर हुक का प्रयोग करना, हुक पूरा टारगेट पर लैंड नहीं हुआ था मगर यहां पर अब तीन पंच का प्रयोग किया मदन लाल ने, तीनों पंच कनेक्ट हुए, फिर राइट हुक बहुत ही सुंदर बॉडी पर प्रहार, फिर राइट क्रॉस, फिर हुक राइट हुक, बहुत ही सुंदर प्रहार मदन लाल के अपने प्रतिद्वंदी सैयद मोहम्मद आसिफ के ऊपर, बहुत ही सुंदर राइट क्रॉस, फिर हुक, फिर लेफ्ट स्ट्रेट, फिर राइट जैब, फिर लाइट, बहुत ही सुंदर पूरे धैर्य के साथ। सबसे अच्छी चीज विमल स्टेप बैक लेके अपने आप को बचा रहे हैं, वीप किया अपने आप को बचाया, और ये दूसरा चक्र है विमल, पाकिस्तान के खिलाड़ी को अंक अर्जित करने होंगे क्योंकि मदन लाल अपेक्षाकृत बहुत सुलझे हुए खिलाड़ी, प्रहार बहुत अच्छे है, ये देखिएगा शेल गार्ड नहीं रख रहे हैं पाकिस्तान के खिलाड़ी, जिसकी वजह से उनको नुकसान हो रहा है। यहां पर शेल गार्ड हटा, मदन लाल का भी नुकसान हुआ, पंच कनेक्ट हुए प्रतिद्वंदी के पूरे टारगेट पर। जी हां संजीव,
मदन लाल अपने प्रतिद्वंदी के सेल गार्ड ना होने का पूरा फायदा उठा रहे हैं, नजदीक जाकर बहुत ही अच्छा अटैक कर रहे हैं। जैसे ही उनके प्रतिद्वंदी इनके अटैक करने आते हैं, बड़ी फूर्ति से सेल गार्ड करके अपने बचाकर उसके पंच लगाते हैं, पंच मारते हैं, बड़ी अच्छा काउंटर अटैक कर रहे हैं। फुटवर्क का बहुत अच्छा नमूना दिखा रहे हैं, जैसे ही उनके प्रतिद्वंदी उन पर अटैक करते हैं फुटवर्क का साइड स्टेप लेते हैं, बचते हैं और उसके बाद पुनः काउंटर अटैक करते हैं। जैसे ही प्रतिद्वंदी का सेल गार्ड खुलता है वैसे वो अटैक करते हैं और पूरा पर गार्ड के साथ बहुत ही अच्छा नमूना बॉक्सिंग का मदनलाल द्वारा अटैक काउंटर अटैक का फुटवर्क करके अपने को बचाते हैं। द्वारा उनको पाकिस्तान की मुक्केबाज को चेतावनी किया गया कि कंधे से न दबाए, बहुत ही अच्छा अटैक मदनलाल द्वारा सेल गार्ड करके अंदर जाने की कोशिश करते हुए नजदीक जाकर अटैक कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा राइट क्रॉस लेफ्ट टूक, जैसे ही मौका मिलता है उनका वो अटैक करते हैं। संजीव जैसे देखिए, जैसे पाकिस्तानी मुक्केबाज का जरा सा गार्ड खुलता है बड़ी तेजी से मदनलाल अपना अटैक करते हैं। संजीव बिल्कुल विमल तपतीहट्टी जी प्रतिद्वंदी को नजदीक आने दे रहे हैं, जैसे ही आमंत्रित करते हैं प्रतिद्वंदी उनके नजदीक आता है, शेल गार्ड रखते हैं, शेल गार्ड रख के प्रहार करते हैं और बिल्कुल सटीक प्रहार। ये देखिएगा जब क्लिंचिंग भी करते हैं तो उनके हाथ साइडों में होते हैं, पकड़ते नहीं है अपने प्रतिद्वंदी को। ये अच्छे खेल और खिलाड़ी के खेल प्रदर्शन की प्रस्तुति। पुणे प्रयासरत हुक का प्रयोग, क्लिंचिंग करते हुए दोनों ही खिलाड़ी एक दूसरे को, क्लिंचिंग करते हुए जकड़ना पकड़ना नियमानुसार बिल्कुल गलत है, इस तरीके से करना सही नहीं होता। शेल गार्ड रख रहे हैं, बहुत ही अच्छा, अच्छी रणनीति सूझबूझ के साथ खेलते हुए भारतीय खिलाड़ी मदन लाल, अनुभवी खिलाड़ी हैं, अंतर्राष्ट्रीय खेलों का काफी अच्छा अनुभव है मदन लाल के पास, वो अनुभव यहां पर साफ दिखता हुआ। एशियन चैंपियनशिप में प्रतिनिधित्व किया था वर्ष 2015 में। और यहां पर इस चक्र की समाप्ति हुई, दूसरे चक्र की समाप्ति हुई, बढ़त बनाने में कामयाब है अभी तक भारतीय खिलाड़ी मदन लाल। उनके प्रशिक्षक कुटप्पा ये देखिएगा किस तरीके से अंक अर्जित किए, स्ट्रेट राइट स्ट्रेट फिर लेफ्ट और फिर राइट एंड फिर लेफ्ट, पीछे हटने पर मजबूर कर दिया पाकिस्तानी खिलाड़ी को। पूरे टारगेट पर पंच है विमल, आक्रमण बहुत अच्छे हैं, उन आक्रमणों में पूरी तरह से सफलता मिली है, ये एक सबसे अच्छी चीज है। पाकिस्तानी खिलाड़ी को मजबूर कर दिया कि वह शेल गार्ड रखें। यहां पर मुख्य प्रशिक्षक जीएस संधू बताते समझाते हुए अपने खिलाड़ी को, और ये पाकिस्तानी प्रशिक्षक स्टार वन और स्टार थ्री आई बार स्टार वन स्टार थ्री कोचिज हैं। एक क्वालिफिकेशन है आईबा की, उस क्वालिफिकेशन के आधार पर ही प्रशिक्षक नियुक्त किए जाते हैं। तीसरा और अंतिम चक्र निर्णायक चक्र होगा, करो या मरो वाली स्थिति दोनों ही खिलाड़ियों के लिए, देखना होगा स्वर्ण पदक विजेता कौन बनता है। स्वर्णिक सफलताएं जरूर दिलाएंगे मदन लाल, एक स्वर्ण पदक भारत को प्राप्त हो चुका है एल देवेंद्र सिंह का 46 किलो भार वर्ग में फ्लाईवेट में लाइट फ्लाई वर्ग में, और ये फ्लाईवेट का मुकाबला चलता हुआ तीसरा और अंतिम चक्र। विमल जी हां संजीव, तीसरा अंतिम चक्र निर्णायक चक्र, मदन लाल द्वारा बहुत ही अच्छा अटैक, अपने को सेल गार्ड करके बचा रहे हैं सुरक्षित खेलते हुए मदन लाल। फुटवर्क के साथ अपने को बचाते हैं, उनको पता है बहुत ही अच्छा राइट क्रॉस दिया उन्होंने, बहुत ही अच्छा राइट क्रॉस लगाया पाकिस्तान मुक्केबाज को। रेफरी द्वारा उनको पाकिस्तान मुक्केबाज को बोला गया कि ना घूमे, दूर दूर से खेलते हैं, फुटवर्क का अच्छा प्रदर्शन, बहुत ही अच्छा लेफ्ट हुक राइट क्रॉस काउंटर अटैक अच्छा किया मदन लाल द्वारा, अपने प्रतिद्वंदी को आमंत्रित करें, जैसे ही वो अटैक करते उसमें काउंटर अटैक, बहुत ही अच्छा काउंटर अटैक लेफ्ट हुक और राइट क्रॉस का, ये नजदीक जाकर राइट अपरकट मदन लाल भारत के मुक्केबाज, बड़ी सूझबूझ और धैर्य के साथ खेलते हुए जैसे ही काउंटर करते हैं वैसे ही अटैक पर अपने जाते हैं।
ठीक नहीं है। यमन वृद्ध बहुत ही अच्छा राइट क्रॉस लगा इस बार पाकिस्तान मुक्केबाज ने मदन लाल के लेफ्ट 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 स्ट्रेट मदन लाल फुटवर्क करते हुए वीव करके अपने को बचाया। मदन लाल फुटवर्क के साथ अनुभव का पूरा जितने उन्हें पता है कि मुकाबला उनके पक्ष में है स्वर्णिम सफलता उनको मिल चुकी है इसलिए कोई अधिक जोखिम न उठाते हुए सुरक्षा सुरक्षित खेलते हुए दूर दूर से पाकिस्तानी मुक्केबाज किसी प्रकार का कोई भी मौका नहीं दे रहे। मदनलाल अच्छा वीव करके बचाया अपने को और नजदीक में क्लिंचिंग किए हुए दोनों एक दूसरे को जो कि नियमों के विरुद्ध है। अच्छा राइट वन हुक बहुत ही अच्छा चार पंचों कॉम्बिनेशन लेफ्ट राइट स्ट्रेट और राइट अपरकट लेफ्ट हुक कॉम्बिनेशन लगाया था मदनलाल ने। अगेन लेफ्ट स्ट्रेट राइट हुक बहुत ही जोरदार प्रदर्शन मदनलाल द्वारा पूरी तरह से हावी हैं अपने प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के मुक्केबाज पर सैयद मोहम्मद आसिफ पर दोनों को मदलाते हुए प्रवर्तन आरंभ किया। अच्छा वीव करके राइट क्रॉस का काउंटर किया मदनलाल अगेन लेफ्ट राइट स्ट्रेट और ये सेल गार्ड भी चले गए और तीसरा अंतिम चक्र समाप्त। दोनों ही मुक्केबाजों ने हार उठाकर उसको अभिनंदन स्वीकार किया। ये है मदनलाल अपने कॉर्नर पर तो कोच देखिए रिप्ले में देखिए किस प्रकार से मदनलाल ने लेफ्ट बॉडी में लेफ्ट फेस पर बहुत ही अच्छा और काउंटर लेफ्ट का काउंटर किया जैसे ही उनकी आईएसएल गार्ड राइट क्रॉस लेफ्ट हुक बहुत ही अच्छा काउंटर जैसे ही प्रतिद्वंदी का गार्ड खुला उन्होंने लेफ्ट हुक राइट क्रॉस बहुत ही अच्छा पीछे हटते हुए लगाया और ये स्वीप करके अपने को बचाया। साथ ही वन टू का अगेन अटैक तीन पंचों का वन टू वन तीन पंच अच्छे लगाए अपने प्रतिद्वंदी को अपरकट हुक और वीव करके अपने को बचाया। देखते हैं निर्णय इस निर्णय में स्वर्ण सफलता किसको मिलती है। डिसीजन अबाउट नंबर 37 मुक्केबाज विनर बाय यूनानिमस डिसीजन इन द ब्लू कॉर्नर मदनलाल और ये मदनलाल को विजेता घोषित किया। स्वर्णिम सफलता भारत की है दूसरा स्वर्ण भारत के पक्ष में पहले एल देवेंद्र सिंह के रूप में और दूसरा मदनलाल 52 केजी। अगला मुकाबला बैंटम वेट वर्ग का